हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे यूज ऑफ इज डन या यूज ऑफ वॉज डन। ठीक है, बहुत सारे बिगनर्स बच्चे जब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल देखते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक इसी तरीके से पास्ट में अगर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए, उन बच्चों के लिए मैंने एक घर बनाया, तो आई मेड दिस हाउस। ठीक है, और अगर इसी तरीके का घर आपके पापा ने बनाया है आपके लिए तो आप क्या बोलेंगे, माई फादर बिल्ट दिस हाउस। और किसी के दादा ने अगर बनाया है तो बोलेंगे माई ग्रैंड फादर बिल्ट दिस हाउस। यहाँ पे बात बनाने वाले की हो रही है कि इस घर को किसने बनाया, मैंने बनाया, आपके पापा ने बनाया है, और कोई तीसरा बंदा कह रहा है कि मेरे दादा ने बनाया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बनाने वाले की बात जब हो रही है तो हम सब्जेक्ट में यानी काम करने वाले के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सब्जेक्ट वही आता है शुरू में, सेंटेंस में वही आता है, आई वी यू ही शी इट दे या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ घर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घर किसने बनाया वो उससे कोई लेना देना नहीं है। घर देखा और सिर्फ घर के बारे में फोकस हमारा सिर्फ घर है, तो पूछते हैं ना कि ये घर कब बना, तो जवाब मिलता है कि ये घर 1995 में बना। ठीक है, तो दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1995। किसने बनाया नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? ये सेंटेंस है और इसको हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए इसी तरह का सेंटेंस आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि कोई आई वी यू ही सी इट दे सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होगा। ये एक पैसिव सेंटेंस है, आप इसको समझिए। इज डन का मतलब है कि कोई भी काम किया जाता है, इज डन, या ये कह लीजिए कि ये काम कर लिया जाता है या हो जाता है। इस तरह का सेंटेंस अगर रहेगा प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट इसको कहते हैं पैसिव में, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो जैसे इज डन का मतलब है यहाँ पे कि इट इज डन, देखिए ये स्ट्रक्चर लिया हमने, इट इज डन ओनली इन 2 मिनट्स, यानी ये हो जाता है सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। इसको पास्ट में भी बना सकते हैं, इट वॉज डन ओनली इन 2 मिनट्स, ये हो गया सिर्फ 2 मिनट में हो गया। ठीक है, तो यानी कि वॉज डन का मतलब यह है कि ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में, अगर हिंदी में अगर इस तरह का अगर रहे कि वो हो गया, कोई भी काम हो गया या कर लिया गया या कर दिया गया किसी के द्वारा, ठीक है, तो हम उसमें वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। डन का मतलब यहाँ पे ये मत समझे कि हर सेंटेंस में डन ही का इस्तेमाल होगा। डन का मतलब यहाँ पे कोई भी काम किया गया, और यहाँ पे कोई भी काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाता है, जाना के लिए गो वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे अगला सेंटेंस है, हिंदी बोली जाती है इंडिया में, यानी इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। ठीक है, होली इज सेलिब्रेटेड, कोई भी त्यौहार, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ठीक है, ये सब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो होली इज सेलिब्रेटेड। अब ये नहीं देखना कि सिर्फ इज के साथ ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, इज एम आर किसी के साथ भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब हम इज लगा रहे हैं तब तो यहाँ पे थर्ड पर्सन किसी का भी सिंगुलर का नाम आ सकता है, लेकिन जब हम एम लगाएंगे तो फिर हम आई का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आई के साथ ही एम आता है और किसी के साथ नहीं आता है। तो जब आई सब्जेक्ट होगा तो इस सेंटेंस में आई काम नहीं करेगा, क्योंकि आई एम अगर यहाँ पे इनवाइटेड है तो इसका मतलब है कि मैं इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, मुझे इनवाइट किया जाता है। आई एम ऑलवेज इनवाइटेड, मुझे हमेशा इनवाइट किया जाता है पार्टी वगैरह में। ठीक है, बुक्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट, किताबें बेची जाती है इस मार्केट में किताबें बेची जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंसेज हैं इन सब में इज एम आर तीनों में से किसी का इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो। इसका नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इट इज नॉट डन इन 2 मिनट्स, हिंदी इज नॉट स्पोकन इन इंडिया, होली इज नॉट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, आई एम नॉट ऑलवेज इन्वाइटेड इन पार्टीज,
बुक्स आर नॉट सोल्ड इन दिस मार्केट, ठीक है, नेगेटिव बस नॉट लगाएंगे और नेगेटिव बन जाएगा। जब क्वेश्चन बनाना हो, क्या से सेंटेंस से स्टार्ट हो, क्या 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 हिंदी बोली जाती है भारत में, तो बस इज पहले आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख रखा है, इज एम आर तीनों में से कोई एक पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आर है तो आर पहले आ जाएगा सेंटेंस में। जैसे किताबें बेची जाती है इस मार्केट में, अगर रहेगा क्या किताबें बेची जाती है तो आर बुक्स सोल्ड इन दिस मार्केट, आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद जो सेंटेंस में रहेगा अदर वर्ड्स वो हम लिख देंगे। तो आर आर बुक्स सोल्ड इन दिस मार्केट, ठीक है, इस तरीके से हम अगर डब्ल्यू एच लगाना होगा तो बस हम इज एम आर से पहले डब्ल्यू एच लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सेंटेंस को डब्ल्यू एच से बनाना है कि होली क्यों मनाया जाए, हर साल क्यों मनाया जाता है, तो वाई इज, वाई पहले आएगा यहाँ पे, वाई इज होली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए वॉज डन की तरफ, ठीक है, अब ये देखिए इट वॉज डन ओनली इन टू मिनट्स कर लिया था हमने। दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1995, ये हाउस कब बना, ये घर बना 1995 में बना था। माई पर्स वॉज स्टोलन येस्टरडे, मेरे पर्स की चोरी हो गई कब, कल, कल मेरे पर्स की चोरी हो गई, किसके द्वारा हुई नहीं पता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ अगर किसी के द्वारा अगर हुआ है तो उसमें बाई लगा करके हम नाम लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें भी सेंटेंसेज में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। थीव्स वर अरेस्टेड, जैसे पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया, तो थीव्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, लेकिन बाई नहीं भी लगाते हम, ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में बाई वाले सेंटेंस नहीं बोलते। अगर बोलना होता है बाई वाले सेंटेंस तो हम एक्टिव में ही बोल सकते, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। अगर हमें इस पे यानी कि जो जिसको पकड़ा गया है उस पे फोकस किया जाता है तो वही वही हमारा सब्जेक्ट होता है और उसी पे फोकस होता है, किसके द्वारा अरेस्ट हुआ वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो थीव्स वर अरेस्टेड, इतना काफ़ी है, इससे मतलब समझ में आ जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में इसी तरह के सेंटेंस यूज़ होते हैं। ज़्यादातर जब भी आप थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश की तरफ आएंगे तो पैसिव सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। दे वर एक्सप्लॉयटेड, अब ये नहीं है कि हमेशा मतलब आई वी यू ही शी इट होगा ही यूज, यानी इन सेंटेंस में नहीं यूज होगा, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ये कोई काम नहीं कर रहा है इस सेंटेंस में, ये समझना है आपको। जैसे यहाँ पे दे है, वे लोग शोषण नहीं कर रहे हैं किसी का, उन लोगों का शोषण किया गया। दे वर एक्सप्लॉयटेड यानी उन लोगों का शोषण किया गया। अब ये देखिए जिस तरीके से पॉजिटिव ये सेंटेंस है, नेगेटिव बनाने के लिए ठीक वैसा ही है जैसे इसमें हमने इज एम आर के बाद नॉट लगाया है, यहाँ हम वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। तो इट वॉज नॉट डन ओनली इन टू मिनट्स, दिस हाउस वॉज नॉट बिल्ट इन 1995, माई पर्स वॉज नॉट स्टॉलन येस्टरडे, थीप्स वर नॉट अरेस्टेड, दे वर नॉट एक्सप्लॉयटेड, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन अगर हमें बनाना हो, क्या से सेंटेंस से स्टार्ट करना हो हिंदी में, क्या, तो क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाते हैं, वॉज और वर को पहले लगा देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले कर देते हैं, जिस तरीके से इसमें इज एम आर को हमने पहले कर दिया था, यहाँ वॉज वर को पहले कर देंगे। तो क्या होगा सेंटेंस, जैसे क्या उनका शोषण किया गया, तो वर दे एक्सप्लॉयटेड, वर थीव्स अरेस्टेड, वॉज माई पर्स स्टोलन, क्या मेरे पर्स की चोरी हो गई कल, वॉज माई पर्स स्टोलन येस्टरडे, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच लगाना हो तो भी हम डब्ल्यू एच लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी वॉज वर्ब से पहले डब्ल्यू एच, कोई भी डब्ल्यू एच, जैसे क्यों, अगर यहाँ हम लगाते हैं डब्ल्यू एच वाई, वाई यानी वाई वर दे एक्सप्लॉयटेड, वाई वर दे एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। चोर को क्यों पकड़ा गया, तो वाई वर थीव्स अरेस्टेड, ठीक है। मेरे पर्स की चोरी क्यों हुई, तो वाई वॉज माई पर्स स्टोलन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इज डन और वॉज डन को अच्छे से समझ करके आप इसको अपने सेंटेंसेस में या स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश में यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो इजाज़त दीजिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।